बरसात की एक रात में जब कोई लावारिस चुपके चुपके अग्निपथ के सोले पार कर जाता है, तब ना कोई दीवार उसे रोक सकती है और ना कोई जंजीर उसे बांध सकती है और ना ही कोई अंधा कानून उसे गिरफ्तार कर सकता है। खुदा गवाह है कि ऐसा मर्द दुनिया में तूफान की तरह आकर मुकद्दर का सिकंदर या सहानसा बन जाता है। अगर हम भी खून पसीना एक करके इनकलाब करें तो इस जादूगर की तरह खुददार बन सकते हैं, लेकिन ये काम तो कोई युवा ही कर सकता है जिसकी परवरिश महान देश प्रेमी मेजर साहब ने की हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदी के महानायक देश की शान मुकद्दर के सिकंदर अमिताभ बच्चन की। इलाहाबाद के रानीगंज जिले के बाबूपट्टी गांव में 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रतिष्ठित कवि थे और अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन कराची से थी। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इस लाडले बेटे का नाम स्वतंत्रता संग्राम में प्रयुक्त हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे से प्रेरित होकर इनकलाब रखा था, लेकिन माँ तेजी बच्चन को अमिताभ नाम पसंद था जिसका अर्थ होता है ऐसा प्रकाश जो कभी नहीं बुझेगा। और आज के समय में अमिताभ बच्चन एक ऐसा इनकलाब बन चुके हैं जिसका तेज कभी नहीं बुझने वाला। अमिताभ बच्चन की शुरुआती शिक्षा इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधि स्कूल में हुई, उसके बाद नैनीताल के सेखुट हाई स्कूल में 8 में दाखिला लिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोरोरीमल कॉलेज में विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद कोलकाता के शिपिंग फर्म वर्ल्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी शुरू की, लेकिन अमिताभ बच्चन का रुझान शुरू से ही एक्टिंग में था। उसका एक कारण यह भी था कि उनकी माँ तेजी बच्चन को स्टेज थिएटर में गहरी रुचि थी, क्योंकि वो हरिवंश राय बच्चन से शादी से पहले थिएटर की कलाकार थी, इसलिए माँ की ओर से अमिताभ को एक्टिंग के क्षेत्र में जाने की इजाजत थी, लेकिन पिता ऐसा नहीं चाहते थे इसलिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। लेकिन जल्द ही अमिताभ के अंदर के कलाकार ने उन्हें नौकरी छोड़कर सपनों की दुनिया बॉलीवुड की ओर जाने को विवश कर दिया और वे 1969 में नौकरी छोड़कर मुंबई चले गए। मुंबई की जिंदगी इतनी सरल नहीं थी। अपने संघर्षों के दौर में जब जेब खाली हो चुकी थी, घर से पैसा मिलना बंद हो गया था और किस्मत के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष करते रहे। 1970 में उन्हें एक फिल्म साथ हिंदुस्तानी में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में अपने छोटे से रोल में ही बहुत बड़ा असर पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें और भी कई फिल्मों में काम करने का अवसर मिल गया। लेकिन दुर्भाग्य की इस दौर में उनकी सभी फिल्में फ्लॉप हुई। संघर्षों के इस दौर में बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी कलाकार महमूद ने उन्हें सहारा दिया। अमिताभ बच्चन ने 7 साल महमूद के घर में गुजारे। 1971 में उन्होंने आनंद फिल्म साइन की जिसमें मुख्य भूमिका में थे उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना। इस फिल्म में अमिताभ एक डॉक्टर की भूमिका में थे जो एक कैंसर पीड़ित नौजवान का इलाज करता है। राजेश खन्ना पर केंद्रित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने आनंद में डॉक्टर के अपने छोटे से किरदार को अविस्मरणीय बना दिया। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद 1972 में उन्होंने जंजीर फिल्म साइन की जिसे नवीन निश्चल ने छोड़ दिया था और इस फिल्म ने एक गुमनाम नौजवान को सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया। यहीं से शुरू होती है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की असली कहानी। जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन के पास काम की कोई कमी नहीं रह गई थी। इसी बीच 3 जून 1973 को उन्होंने जंजीर की अपनी हीरोइन जया भादुरी संग शादी की। नमक हराम के लिए अमिताभ बच्चन को पहला अवार्ड मिला। 1975 का वर्ष ऐसा वर्ष था जिसमें उन्होंने 2 फिल्मों में भूमिकाएं की और उन्हें हिंदी सिनेमा जगत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दीवार में मुख्य कलाकार की भूमिका की जिसमें इनके साथ शशि कपूर, निरूपा राय और नीतू सिंह थी और इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। 1975 में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज हुई। इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। यह फिल्म सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने लगभग 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर कमाए। 1999 में बीबीसी इंडिया ने इस फिल्म
फिल्म को शताब्दी की फिल्म का नाम दिया और दीवार की तरह इसे इंडिया टाइम्स मूवियों में बॉलीवुड की शीर्ष 25 फिल्मों में भी शामिल किया। 1982 में पुली फिल्म के सह कलाकार पुनीत ईसर के साथ एक फाइट की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को मेज पर गिरना था और जैसे ही ये मेज की ओर कूदे मेज का कोना इनके पेट से टकराया जिससे इनके आंतों को चोट पहुंची और इनके शरीर से काफी खून बह निकला था। इन्हें जहाज से फौरन अस्पताल ले जाया गया और वहां ये कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और कई बार मौत के मुंह में जाते जाते बचे। यह अफवाह भी फैल गई थी कि वे एक दुर्घटना में मर गए हैं और संपूर्ण देश में इनके चाहने वालों की भारी भीड़ इनकी रक्षा के लिए दुआएं करने में जुट गई थी। इस दुर्घटना की खबर दूर दूर तक फैल गई और यूके के अखबारों की सुर्खियों में छपने लगी। बहुत से भारतीयों ने मंदिरों में पूजा अर्चनाएं की और इन्हें बचाने के लिए अपने अंग अर्पण किए और बाद में जहां इनका उपचार किया जा रहा था उस अस्पताल के बाहर इनके चाहने वालों की मीलों लंबी कतारें दिखाई देती थी। एक लंबे अरसे के बाद बच्चन ने पुनः काम करना आरंभ किया। 1984 में अमिताभ ने अभिनय से कुछ समय के लिए विश्राम ले लिया और अपने पुराने मित्र राजीव गांधी की सपोर्ट में राजनीति में कूद पड़े। इन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री HN बहुगुणा को हरा कर लोकसभा पहुंचे। हालांकि इनका राजनीतिक करियर ज्यादा दिन तक का नहीं था, इन्होंने 3 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया। त्याग पत्र के पीछे इनके भाई का बोफोर्स विवाद में अखबार में नाम आना था जिसके लिए इन्हें अदालत में जाना पड़ा। उनके पुराने मित्र अमर सिंह ने इनकी कंपनी ABCL के फेल हो जाने के कारण आर्थिक संकट के समय इनकी मदद की। इसके बाद बच्चन ने अमर सिंह की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी को सहयोग देना शुरू किया। जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और राज्यसभा की सदस्य बन गई। बच्चन ने समाजवादी पार्टी के लिए अपना समर्थन देना जारी रखा जिसमें राजनीतिक अभियान अर्थात प्रचार प्रसार करना शामिल था। ABCL से हुई बर्बादी ने अमिताभ बच्चन को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया था जिससे उभरने के लिए उन्होंने कई बेकार फिल्म भी साइन कर ली। इसी बीच उन्हें कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट करने का ऑफर मिला। इस कार्यक्रम को तत्काल बड़ी सफलता मिली। यह माना जाता है कि बच्चन ने इस कार्यक्रम के संचालन के लिए साप्ताहिक 25 लाख रुपए लिए थे जिसके कारण बच्चन और उनके परिवार को आर्थिक रूप से उभरने में काफी बल मिला। यही थी सदी के महानायक की महागाथा। आज 76 वर्ष की उम्र में भी अमिताभ बच्चन इतने ही युवा लगते हैं जितने की शोले और जंजीर के समय जय और विजय के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने अभिनय द्वारा लोगों के दिलों पर राज किया है और आगे भी आने वाली पीढ़ियां उनसे सीखेंगी क्योंकि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि वे अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी प्रकार हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ से लाइक कर दीजिए और यहाँ से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और सारे ग्रुप में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ये लाल बटन दबा के मुझसे दोस्ती कर लीजिए और साथ में ये बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और ये है वॉप मैसेंजर की ज्वाइनिंग लिंक और ये है वीडियो की लिंक कि वॉप में अपना अकाउंट कैसे बनाना है। तो पहले वीडियो देखिए फिर इस लिंक को टच करके वॉप मैसेंजर जो कि इंटरनेशनल है पूरी दुनिया में चल रहा है वो ज्वाइन कीजिए और लाइफ टाइम तक अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में ग्रुप मस्ती कीजिए, ऑडियो वीडियो कॉल कीजिए, ऑडियो वीडियो शेयर कीजिए, चैटिंग कीजिए, गेम खेलिए, वीडियो देखिए और न्यूज़ देखिए और इन सबसे अर्निंग करिए, लाइफ टाइम तक पैसे कमाइए। थैंक यू दोस्तों मुझसे दोस्ती करने के लिए। मैं आपको वॉप मैसेंजर में मिलूँगा।